हेलो दोस्तों, अगर आप MS धोनी के एक फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि इस मैच में, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा था, इस मैच में ऐसा वाक्या होगा जो आप सुन के बिल्कुल हैरान और रंगीन हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आपको बता दें कि आज का मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जा रहा था, और पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजों ने अच्छा बैटिंग किया और लखनऊ को 208 रन का टारगेट दिया। इस टारगेट को चेज करने के लिए लखनऊ की टीम उतरी, और फील्डिंग करने उतरी रविंद्र जडेजा की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 ओवर में पावर प्ले के दौरान ही अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और इसका लाभ उठाते हुए KL राहुल और क्विंटन डिकॉक ने अच्छी साझेदारी की और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप किया, क्यों इसके दौरान चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अंडर प्रेशर होते हुए सभी के चेहरे पे निराशा दिख रहा था। इसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी ने बीच मैदान में ऐसा किया कि सब हैरान हो गए। आपको बता दें कि बीच ओवर में MS धोनी ने कप्तानी खुद अपने हाथों में ले लिया और फील्डिंग सेट करते हुए नजर आए। इस बीच में कमेंटेटर अजय जडेजा बहुत ही नाराज हुए, और अजय जडेजा ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले ही 2 मैचों में हार के बदौलत CSK यहाँ पहुँची है, और 2 हार के बजाय रविंद्र जडेजा से कप्तानी नहीं लेनी चाहिए अपने हाथ में, और रविंद्र जडेजा को प्रमोट करना चाहिए और साथ ही साथ उनका साथ देना चाहिए। अजय जडेजा का ये निराशा बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था, क्योंकि वो नाराज़ थे MS धोनी से। वो जानते हैं कि MS धोनी एक कैप्टन कूल हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, फिर भी वो किए। इस पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।